नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स के अंदर। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे पाइथन का इस्तेमाल करके, वो भी बिना कोडिंग सीखे, किसी प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा टेलीग्राम बॉट का। तो चलिए फिर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रेमेटर्स को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और आप कोडिंग नहीं आती है तो आपको उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा पाइथन का, और आपको अपने लैपटॉप के अंदर यहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक उसी तरह इंस्टॉल होगी जैसे कि आप अपने लैपटॉप के अंदर गेम्स को इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद हम अपने डिवाइस के अंदर एक पाइथन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है PyAutoGUI। और ये यहाँ पे करती क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे जो माउस है और कीबोर्ड है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बस यहाँ पे इसकी ये कमांड कॉपी करनी है और अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये वाली कमांड टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है, जिससे हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी हमारे डिवाइस के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें डेस्कटॉप पर। इसके बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे उसके पाथ पे आना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है, जिससे हमारा वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कोड स्पेस डॉट टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है, जिससे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड हमने इंस्टॉल करा था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फाइल क्रिएट करने का और फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसको मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा telegram_msg.py। और याद रखना, हम यहाँ पे पाइथन में इस्तेमाल करें तो यहाँ पे डॉट पाई आपको जरूर देना होगा। यहाँ पे हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो माउस है यहाँ से इस क्रोम यहाँ पे मेरे एक्सप्लोरर को ओपन करेगा। इसके बाद ये यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करेगा, और उसके बाद ये यहाँ पे मेरी चैट में जाएगा और यहाँ पर मेरे को मैसेज स्पैम करेगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं पाइथन की मदद से ऑटोमेटिकली करने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अपने ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम अपना पहला कोड लिखते हैं। आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा उसी लाइब्रेरी को जिसको हमें अभी इंस्टॉल करा था, PyAutoGUI। इसके बाद हम यहाँ पे टाइम को इंपोर्ट करेंगे। टाइम को मैं यहाँ पे क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉलो करना है स्टेप्स। अब मैं यहाँ पे पाइथन के प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, और हमारी जो लाइब्रेरी है PyAutoGUI, इसका यूज करके मैं अपने माउस के कोऑर्डिनेट्स को लिखूंगा। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। प्रिंट का मतलब आप यहाँ पे समझ ही होंगे कि हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं। तो उसके बाद इतना लिख के आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करना है। तो जैसे ही आप रन करोगे तो जहां पे मेरा माउस है उस माउस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी जिस टाइम जहां पर माउस है उस माउस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ चुके हैं उस लोकेशन के। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए किसके। यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्योंकि मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो मेरे को इस जगह के यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन करता हूँ तो ये हमेशा यहीं का कोऑर्डिनेट देगी जहाँ पे मेरा माउस पहली बार इसको मिलेगा जब स्क्रिप्ट रन होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइम का इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ पे टाइम गैप इसके अंदर लगा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम स्लीप का इस्तेमाल करेंगे, और मैं इसके अंदर 3 सेकंड का गैप लगा दूंगा यहाँ पे, जिससे मेरे को यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। और मैं स्क्रिप्ट को रन करके यहाँ पे ले आऊंगा। अब मेरे को जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इस पोजीशन के आएंगे जहाँ पे मेरा माउस अभी है। तो हमारी ये वाली जो लाइन है प्रिंट वाली, इसको हम यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देंगे। कॉमेंट आउट का मतलब ये है कि बस पाइथन जो है हमारी इस लाइन को पढ़ेगी नहीं, और हम दूसरी लाइन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब हमें हमारा सारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट करना है, तो मेरे को अपना माउस यहाँ से यहाँ पर ले जाना होगा ऑटोमेटिकली। तो माउस को मूव करने के लिए मैं यहाँ पे PyAutoGUI में यूज करूंगा मूव, और आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है।
मूव टू का, इससे हम अपने माउस को मूव कर सकते हैं। अब कहाँ पे मूव करना है उसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को लगाएंगे और जो हमारे जहाँ जिस पोजीशन पे आपको माउस को लेके जाना है वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे डालने होंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हमारी जो पोजीशन है वो 944 कॉमा आपको लगा देना है, उसके बाद दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे डालना है। अब मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखना मेरा माउस वहाँ पे पहुँच जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर गया है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा आपको स्लोली करके दिखाता हूँ कि ये माउस यहाँ पे वर्क करा। तो मैं यहाँ पे एक और कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम डाल दूंगा ताकि मेरा माउस यहाँ से एज के ऊपर 2 सेकंड के अंदर जाए। तो मैंने स्क्रिप्ट को रन करा और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा माउस मूव होके स्लोली एज के ऊपर पहुंच गया है, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। अब हमारा जो अगला स्टेप है, मैं चाहता हूँ कि ये एज को ओपन करेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और नई लाइन यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो हम इसी फंक्शन के अंदर इसी मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पे एक और इसके फंक्शन का यूज करेंगे जो कि है क्लिक फंक्शन, जिससे हम लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं। लेफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें दे दिया है, इससे हमारा माउस लेफ्ट क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे राइट क्लिक का भी यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे राइट क्लिक भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक भी मिल जाता है और आपको यहाँ पे ट्रिपल क्लिक भी मिल जाता है, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो मेरे को क्योंकि अपना माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ओपन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक का यूज करूंगा और विजुअल स्टूडियो कोड ने मेरे को यहाँ पे दे दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा यहाँ पे हमारे फंक्शन को। और अब मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करूंगा तो मेरा माउस अपने आप मूव करेगा और माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेगा लेफ्ट क्लिक करके उसके ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क कर गई है। अब इसके बाद मेरी जो ये दो लाइन है यहाँ पे, इन्हें चाहे तो हम एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, जो मेरी ये मूव टू वाली लाइन है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा और ये जो हमारी क्लिक वाली है मैं इसी को यहाँ पे एडिट कर दूंगा थोड़ा सा। तो हमारे जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर मैं अपनी पोजिशन डाल दूंगा कोऑर्डिनेट्स की और उसके बाद एक और कॉमा यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद आप यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट में देख सकते हैं हमें क्लिक डालने की कितनी बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करना चाहता हूँ, फिर से यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा एक और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन पे पहुंच गए कि आप कितना टाइम गैप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम गैप रख लेता हूँ। तो अब इसको आप जब रन करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका, कि हमारा जो ये PY Auto GUI है ये बहुत ही लंबा है, तो इसको हम शॉर्ट करने के लिए हम इसे इंपोर्ट करेंगे एज अ PG और अब आपको बार बार PY Auto GUI लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस PG लिख के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे PG से भी अब वर्क करेगा। तो चलिए अब इसको दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फिर से वर्क कर गया है। अब जो हमारा अगला स्टेप है, हम चाहते हैं कि वो टेलीग्राम को ओपन करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और इस मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज करेंगे, वो है टाइप। तो अब मैं यहाँ पे टाइप राइट फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो टाइप राइट भी यूज कर सकते हैं या सिंपली राइट भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप राइट डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको वो लिखना है जो आप टाइप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे जो हमारा URL एड्रेस है वहां पे ये एड्रेस टाइप कर देगी जो हमने यहाँ पे डाला है। इसके बाद हमें ये ओपन करना है इस पेज को, तो इसके लिए मैं फिर से इसको मॉड्यूल को यूज करूंगा और यहाँ पे प्रेस फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट आपको लगाने होंगे और ब्रैकेट के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने और हमें यहाँ पे एंटर को प्रेस करना होगा। प्रेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा एंटर की होता है उसको दबाएगा। तो चलिए अब अपनी इस की को यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे दोबारा रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ठीक से वर्क कर गई है। अब हमारे फंक्शन को यहाँ पे ठीक से वर्क करने के लिए आपको हर एक स्टेप के बाद यहाँ पे टाइम गैप लगा देना है। तो मैं यहाँ पे टाइम स्लीप लगा दूंगा 1 सेकंड का हर एक स्टेप के बाद। अब इसके बाद मेरे को अपनी चैट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो चैट मेरे को यहाँ पे ओपन करनी है, तो उसके लिए मैं फिर से वही पोजीशन वाले फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो अब मेरी उस चैट का लोकेशन यहाँ पे लेने के लिए मेरा जो यहाँ पे जो मैंने अभी कोड लिखे हैं इनको हम कॉमेंट आउट कर देंगे और इसके बाद ये हमारी जो पोजीशन वाली थी इसको मैं कॉमेंट आउट से हटा दूंगा और हम यहाँ पे फिर से इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करूंगा और अपने उस चैट के ऊपर पहुंच जाऊंगा।
और उसके बाद वापस अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा तो मेरे को इस जगह के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं वापस अपने कोड्स को वापस ले आता हूँ और इस वाली लाइन को फिर से कॉमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम अपनी उस चैट को यहाँ पे ओपन करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फिर से इसी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करना होगा। तो यहाँ पे मेरे को उस चैट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है ताकि वो चैट ओपन हो जाए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक फंक्शन को यूज करूंगा और कॉमा लगा दूंगा। अब इसके बाद कौन सी चैट को यूज ओपन करना है उसके हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डालने, कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, वो कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे कॉमा के साथ डाल दूंगा। और उसके बाद ठीक जैसे मैंने आपको पहले बताया कौन से कितने क्लिक आपको करने हैं, मेरे को एक क्लिक करना है और कितना टाइम गैप आपको देना है, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम गैप दे रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे जो काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अगर आप पाइथन सीखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, तो उसके यहाँ पे ज़्यादा ध्यान ना देना, बस इसको कॉपी कर लेना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ कितनी बार आप उस मैसेज को टाइप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 बार उस मैसेज को टाइप करूंगा और फिर यहाँ पे इन्वर्ट कॉलन आप जरूर लगा देना और एंटर प्रेस कर देना। इसके बाद आपको टाइप करना है आपका जो मैसेज आप उस चैट बॉक्स के अंदर टाइप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फिर से टाइप राइट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो मैसेज टाइप करना है वो आपको डालना है। और उसके बाद हमें वो मैसेज सेंड करना है, और टेलीग्राम पे सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एंटर को प्रेस करना होगा, तो हम यहाँ पे प्रेस एंटर करेंगे ठीक जैसे हमने ऊपर यूज किया था। अब मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चैट, हमारी जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल ठीक से वर्क कर रही है और उसने 10 बार मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने पाइथन को यूज करके अपने टूल्स को या जो आपकी वेबसाइट वगैरह जिनको आप यूज करते हो उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने किसी भी प्रोसेस को। ये मैंने बस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था टेलीग्राम का, इस चीज को आप और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी यहाँ पे वीडियोस देखते हो तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर यहाँ पे कुछ टाइम पहले ऐसे ही टूल्स का यूज किया था ऑटोमेशन करने के लिए। यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं अनलॉक सीक्रेट वाली वीडियो को, ये भी सेम इसी ट्रिक को यूज कर रही है। और अब मैंने आपको सिखा दिया कि आप खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको यूज करके आप चाहे तो अपने टेलीग्राम का ऑटोमेशन कर ले, अपने इंस्टाग्राम को ऑटोमेशन कर ले, या फिर किसी वेबसाइट को ऑटोमेट कर ले। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये फ्यूचर में बहुत ही मदद करेगा। और ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।